वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फेसबुक पर जो है पोस्ट जो होती हैं उनको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन में आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाइनों पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी जो है सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगी सब, तो नीचे जाना पड़ेगा। और जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स। तो सेटिंग्स पर आपको जो है जाना होगा, और जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी बहुत सारे ऑप्शंस। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाता है। तो जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल कॉपीज़ होंगी, तो उनको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से इसको डिसलेक्ट कर दीजिए और पोस्ट को खाली सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे चले जाइए। डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, HTML या फिर कुछ और जेसन रखना चाहें फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए, और हाई क्वालिटी येलो क्वालिटी जो पोस्ट वगैरह है उनको सिलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट फाइल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, और ये जो है अप्रूवल होने में जितना भी टाइम लगाए वो पेंडिंग में रहेगी जब तक, तो तब तक आपको ये इसी तरीके से दिखाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।